नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 19 दिसंबर को मथुरा के गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने पहुंचे। हालांकि मंदिर पहुंचने से पहले उनकी गाड़ी के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। आज तक के सुरेश फौजदार की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम भजन लाल शर्मा की गाड़ी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुंछरी का लौठा के पास कच्ची नाली में फंस गई। इससे उनकी गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। गनीमत यह रही कि सीएम बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक सीएम के काफिले के पुंछरी में घुसते ही भजन लाल शर्मा की गाड़ी एक नाली में घुस गई। गाड़ी का एक पहिया अचानक से नाली में चला गया। गाड़ी के फंसने से किसी को भी चोट आने की खबर नहीं है। इसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया और वे गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार 19 दिसंबर को भरतपुर भी पहुंचे। जयपुर से भरतपुर जाते वक्त मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान रास्ते में एक चाय की दुकान देखकर वे रुके और वहां अपने हाथों से चाय बनाई। उन्होंने चाय दुकानदार मुंशीलाल गुजर से बात की और कुछ पैसे दिए। बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बीजेपी के भजन लाल सरकार का यह पहला सत्र है। दो दिनों में पहले दिन सभी नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए एक वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ का चयन किया गया है।